राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश सहित जिले में आगामी 25 और 26 अगस्त को कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में देवास जिले की 311 वैक्सीनेशन सेंटर पर 93,500 वैक्सीन लगाई जाएगी। देवास शहर के 16 वैक्सीनेशन सेंटर पर 6,500 वैक्सीन लगाई जाएगी। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जिले के निवासियों से अपील करते हुए कहा है कि 25 से 26 अगस्त को कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान में स्वयं अपने पड़ोसियों को कोरोना टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाकर टीके लगवाएं। साथ ही देवास विधायक गायत्री राजे पवार एवं पूर्व सभापति अंसार अहमद हाथी वाले द्वारा भी जनता से अपील की गई कि अधिक से अधिक संख्या में इस महाअभियान के दौरान अधिक से अधिक टीका लगवाएं, जिससे कोरोना की महामारी को हराया जा सके। सबसे पहले तो मैं देवास शहर और प्रदेश और देशवासियों को मेरा नमस्कार। हमारे देश के मुखिया मोहतरम वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारे संगठन के तमाम साथी और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे देवास जिले की लोकप्रिय नेता और देवास शहर की नुमाइंदगी करने वाली श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी और हमारे देवास जिले के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष राजू खंडलवाल जी, हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब और हमारे डॉक्टर्स, नर्सें, मीडिया बंधु और देवास की जनता को जो हमारे पूरे प्रदेश में एक रिकॉर्ड सभी दल और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत से और सभी संस्थाओं के माध्यम से जो प्रयास थे उसमें हम सफल हुए और पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन में एक नंबर रहे। और हमारे हिज हाइनेस विक्रम सिंह जी पवार साहब की जो युवाओं में जोश जो भरा और जो एक जनता में खौफ था, डर था, हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने और इस खौफ को लोगों को समझाई थी और खौफ को सामाजिक लोगों ने बताया और उसमें लोगों ने फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसका हमें बहुत कुछ लाभ मिला है। और हमारे देश के और प्रदेश के मुखियाओं ने जो एक कीर्तिमान देश के नाम को पूरे वर्ल्ड में गौरवान्वित किया है और जो झंडा गाड़ा है वाकई में सराहनीय काबिले तारीफ है। हमारे प्रदेश के मुखिया द्वारा महाअभियान 25 तारीख से चलाया जा रहा है और उसमें टारगेट 20 लाख के करीब का है प्रदेश में। और देवास जिले में हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे विधायक जी के माध्यम से उसमें करीब करीब 93,000 से 94,000 के वैक्सीनेशन का भी टारगेट है और देवास शहर में 6,500 के करीब टारगेट है। 25 और 26 को जो वैक्सीनेशन का महाअभियान पूरे प्रदेश में चलने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि जो भी बचे हुए भाई बहन हैं जिनका वैक्सीनेशन, क्योंकि देवास में हम पहले चरण का 100% वैक्सीनेशन शहर में कर चुके हैं, जो भी बचे हुए लोग हैं जिनका सेकंड वैक्सीनेशन भी होना है, जिनका टर्न आ गया है, उनसे मैं अपील करती हूँ। और मेरी विधानसभा के 72 गांव जिनमें थोड़े बहुत वैक्सीनेशन बचे हैं, 5,000 के करीब वैक्सीनेशन बचे हैं, सभी से मेरी अपील है कि घर से बाहर निकलें। इन दो दिनों में हम हर पंचायत में सेंटर्स बना रहे हैं, निकलें, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। और जिस तरह से देवास शहर 100% वैक्सीनेट हो चुका है, वैसे ही ग्रामीण को भी हमें करना है और पूरे विधानसभा को हम सुरक्षित करने में ये पहल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी की इस पहल में सहयोग दें और हम सभी का प्रशासन का साथ देकर अपनी सुरक्षा करने में ये कदम उठाने में हमारा सहयोग करें। आप सभी को अपील करती हूँ कि इन दो दिनों में जहाँ पर भी हों बाहर ना जाएं, पहले अपना टीका लगवाएं अपने केंद्र पे जाके,
और हमारी सहायता करें। धन्यवाद। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।